तो जो क्रेटा कार के ओनर है सर हमारे साथ में, उनसे हम फीडबैक लेंगे कि वो सुबह से हमारे पास आए थे, किस चीज़ों को देखकर आए, कैसा काम उनको लगा, कैसा क्या उनका टोटल फीडबैक हमारे साथ रहा है। फिर जब हमारे ORVM पे कैमरा इंटीग्रेट करें, कुछ ऐसा आपको इसका व्यू मिलता है, मतलब आप पूरा सेटिस्फाई हैं जो टोटल काम हुआ आपकी गाड़ी पे? बिल्कुल सेटिस्फाई। हाय गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हमारे स्टोर पे आई थी न्यू क्रेटा बेस मॉडल, जो कि 2024 मॉडल है, ई मॉडल जो कंपनी से आता है, जिसमें बहुत सारी चीज़ें जो कंपनी लैक करती है, जो नहीं देती इस गाड़ी में, उसके लिए हमने इसमें बहुत सारी चीज़ें अपग्रेड करी है एक प्रीमियम क्वालिटी में। एक एक करके मैं सारी चीज़ों की डिटेल शेयर करूंगा। बात करते हैं इसकी फ्रंट की प्रोफाइल की। तो फ्रंट प्रोफाइल इसकी अधूरी रह जाती है कनेक्टिंग DRL के बिना, जो कि कंपनी बेस मॉडल में प्रोवाइड नहीं करती, बट वो हमने यहाँ पे पूरी करी है। हमने यहाँ पे लगा दी Hyundai की जेन्युइन कनेक्टिंग DRL, जिसकी आपकी जो क्रेटा या आन बान शान है, जो फ्रंट प्रोफाइल है, उससे गाड़ी दिखती है टॉप मॉडल। क्योंकि आफ्टर मार्केट DRL तो बहुत सारे लोग लगा रहे हैं, बट जेन्युइन चीज़ लगाने के बाद ही जो फील आता है टॉप मॉडल का, वही फील उसकी बात ही अलग है। तो हमेशा लगाइए, एक जेन्युइन प्रोडक्ट लगाइए, एक जेन्युइन DRL लगाइए। आफ्टर मार्केट लोकल प्रोडक्ट पे मत जाइए, क्योंकि उसमें फिटिंग का भी इशू होता है और लाइट भी इतनी अप्रोप्रिएट नहीं रहती है। सेकंड चीज़, इसकी लाइटिंग की बात करते हैं, जो कि कंपनी काफ़ी ज़्यादा बहुत गंदी लाइटिंग देती है। अगर टॉप मॉडल की बात करें, बेस मॉडल की बात करें, लाइटिंग बहुत ही वीक आती है दोनों मॉडल में। उसके लिए हमने इसमें लगाई है DSC ब्रांड की इग्नाइट सीरीज, जो कि 180 LED है, जो कि 60 पर बल्ब पावर सप्लाई देती है, 2 ईयर की वारंटी मिलती है, एक प्रीमियम क्वालिटी की लाइटिंग आपको मिलती है, और ये जेन्युइन वॉट की LED है। मार्केट में आपको बहुत सारी 300 वॉट, 250 वॉट, 220 वॉट LED मिल जाएगी, बट वो जेन्युइन नहीं होती है, जो कि बहुत कम प्राइजेस में मिल जाती है, तो वो जेन्युइन नहीं होती है। हमेशा जाइए जेन्युइन प्रोडक्ट पे जाइए, एक अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट लगाइए गाड़ी में, क्योंकि आपकी गाड़ी आप हमेशा सालों साल चलाओगे, सालों साल रखोगे, तो एक अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट आपको सर्विस वैसी देगा, लाइफ वैसी देगा, क्वालिटी उसको वैसी मिलने वाली है। इसमें हमने 2 सेट लगाए हैं, हाई लो बीम दोनों में, और नाइट में इसके रिस्पॉन्स की बात करें बहुत अमेजिंग रहने वाला है, जो कि मैं आपको आगे जाकर वीडियो में शॉर्ट दिखाऊंगा। इसका स्टीरियो इस गाड़ी में नहीं आता था, तो स्टीरियो के लिए हमने इसमें लगाया, एक टॉप मॉडल का लुक देने के लिए हमने इसमें लगाया ब्लॉपंग का 13 इंच वाला स्टीरियो, जो कि हमारा 232 GB की कॉन्फिगरेशन में रहता है, 360 सपोर्टेबल है, एप्पल कार पे एंड्रॉइड लाइसेंस्ड वायरलेस मिलता है आपको, जो कि आपको टॉप मॉडल का फील मिलता है। 360 कैमरा भी इस प्लेयर में हमने इंटीग्रेट किया है, वो भी हमारा जो रहने वाला है ब्लॉपंग कंपनी का रहने वाला है 360 कैमरा। ये भी एक HD क्वालिटी कैमरा है, जिसकी क्लैरिटी काफ़ी अच्छी रहने वाली, जो कि मैं आपको वीडियो में अंदर से दिखाऊंगा। एक फिटमेंट दिखाना चाहूंगा कैमरे की, कि फ्रंट पे फिटमेंट जो हमने यहाँ पे करी है जस्ट लोगों के नीचे, साइड प्रोफाइल पे आपको दिखाना चाहूंगा एक बार फिटमेंट इसकी, साइड प्रोफाइल पे देख सकते हैं ORVM के नीचे इसकी फिटमेंट करी गई है। तो एक 360 कैमरा आपको गाड़ी के चारों जो व्यू है उसका एक प्रॉपर व्यू देता है। स्पीकर इस गाड़ी में लग के नहीं आते थे, तो स्पीकर कस्टमर का बजट मीडियम था, तो हमने उनको ये सजेस्ट करे इन्फिनिटी के प्राइमस सीरीज। फ्रंट में हमने लगाए कंपोनेंट, रियर में हमने लगाए कोएक्सियल स्पीकर। डैम्पिंग इस गाड़ी में नहीं आती थी, तो डैम्पिंग भी हमने इसमें करी है। हमारी डैम्पिंग एज यूजुअल हमने STP ब्रांड की करी है। STP एक मेड इन रशिया ब्रांड है, प्रीमियम क्वालिटी की डैम्पिंग आती है, जिसका मैं आपको एक इफेक्ट दिखाऊंगा। ये हमारा आफ्टर डैम्पिंग पैनल है, ये हमारा बिफोर डैम्पिंग पैनल है। तो देख सकते हैं जो हॉलो साउंड था गेट का, कितना कम हो गया है, जो साउंड क्वालिटी कितनी अपग्रेड हो जाती है डैम्पिंग करने के बाद में। तो अगर आप ऑडियो का काम करा रहे हो या नहीं भी करा रहे हो, डैम्पिंग गाड़ी में मस्ट करवाइए, उससे आपकी जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस बहुत इंप्रूव हो जाता है। मिरर इस गाड़ी में जाते थे जॉयस्टिक वाले आते थे, जिसमें आपको ऑटो फोल्डिंग एडजस्टिंग का फीचर नहीं मिलता था, उसको रिप्लेस करके हमने टॉप मॉडल के इसमें ORVM लगाए, जिसमें आपको एडजस्टिंग और फोल्डिंग फीचर दोनों मिलते हैं। एक टॉप मॉडल का आपको फील मिलता है, टॉप मॉडल की प्रोफाइल मिलती है, अंदर से आपको इसमें स्विचेज भी मिलते हैं, जिससे आप प्रॉपर इसको कंट्रोल कर सकते हैं। बेस मॉडल में ये सब चीज़ें आपको नहीं मिलती हैं, उसके लिए हमने इसमें टॉप मॉडल वाला फीचर ऐड किया है। टॉप मॉडल का Hyundai जेन्युइन पैनल ऐड किया है, जो कि हमने ट्रिम चेंज करी है। स्विच इसमें हमने लगाया टॉप मॉडल का, जो कि देख सकते हैं हमारा मिरर के साथ इंटीग्रेट किया गया है। एक स्विच की फिटमेंट देख सकते हैं, फिर हमारे एडजस्टमेंट देख सकते हैं, कितना प्रॉपर ये एडजस्टमेंट काम कर रहा है। तो यही होता है, अगर आप बेस मॉडल लेते हैं, उसको टॉप बनाते हैं, वो भी एक Hyundai जेन्युइन प्रोडक्ट के साथ में, तो आप उसको ये टॉप मॉडल वाला फील दे सकते हैं ये सब चीज़ें लगवा कर। रूफ रेल इस गाड़ी में लग के नहीं आती थी, रूफ रेल भी हमने इसमें लगाई है, जो कि एक टॉप मॉडल आपको लुक देती है। इसमें आपको पियानो चाहिए, पियानो मिल जाएगी, सिल्वर चाहिए, सिल्वर मिल जाएगी। इंटीरियर
में सबसे पहले हमने यहाँ पे स्टेयरिंग कंट्रोल लगाया है, कंपनी ये पार्ट भी मिसिंग रखती है तो ये भी हमने इसमें इंटीग्रेट किया है विथ इसमें वॉल्यूम फीचर के साथ में। ये भी हमारा Hyundai जेन्युइन पैनल है तो देख सकते हैं हमारा प्लेयर के साथ ये कैलिब्रेटेड है। क्रूज कंट्रोल भी इसमें हमने एक्टिव कर दिया है जो कि हमारा 40 प्लस अगर गाड़ी जाएगी तो क्रूज भी हमारा एक्टिवेट हो जाएगा। ये भी हमारा Hyundai जेन्युइन पार्ट है। स्टीरियो की एक बार आप फिटमेंट चेक कर सकते हैं, क्वालिटी चेक कर सकते हैं, टच का रिस्पॉन्स आपको चेक कर, सुपर स्मूथ टच रिस्पॉन्स है, कारप्ले सर्टिफाइड है, एंड्रॉयड ऑटो सर्टिफाइड है। 360 कैमरा की एक बार आपको क्वालिटी चेक कराता हूँ कैसा क्या 360 कैमरा है। ये हमारा रियर का व्यू है, ये हमारा फ्रंट कैमरे का व्यू है। फिर जब हमारे ORVM पे कैमरा इंटीग्रेट करें कुछ ऐसा आपको इसका व्यू मिलता है। ये मेरे राइट साइड के ORVM का व्यू है और ये हमारे दोनों ORVM पे जो कैमरे की प्लेसमेंट करी उसका व्यू है। और जब अगर मैं गाड़ी पे इंडिकेटर दूंगा तो इंडिकेटर के साथ मेरा ये लेफ्ट साइड का कैमरा प्रॉपर वर्क करेगा। जब मैं राइट साइड का इंडिकेटर दूंगा तो मेरा राइट साइड का कैमरा इसमें एक्टिव हो जाएगा। तो यही होता है एक 360 कैमरा, एक अच्छी क्वालिटी का स्टीरियो लगाने के बाद में ऐसा कुछ आपको फिटमेंट देखने को मिलता है। सनग्लास होल्डर कंपनी का मिसिंग था इसमें, हमने वो भी इसमें लगा दिया विद वाइट LEDs के साथ में जिसमें आप अपना सनग्लास रख सकते हैं और लाइट्स भी इसमें आपकी इंटीग्रेट हो जाती है। 11D फ्लोरिंग हम इस गाड़ी में करी गई है क्योंकि ट्रे मैटिंग तो सर की कस्टमर की कंपनी से आई थी तो हमने 11D फ्लोरिंग भी इसमें कर दी है। ट्विटर की हमने सेच भी लगा दी जिसमें आपको इंटीरियर में भी टॉप मॉडल का लुक मिलेगा एक्सटीरियर के साथ में चलते हुए भी। साइड के इंडिकेटर हटाकर यहाँ पे भी हमने लगा दी हमारे साइड वेंट जिससे गाड़ी को स्पोर्ट्स वाला फील भी आ जाएगा और ये गाड़ी बेस मॉडल भी नहीं दिखेगी। अब जो चीज़ें कुछ चीज़ें इसमें बचती हैं लाइक अलॉय व्हील, सनरूफ, अलॉय व्हील भी आप आफ्टर मार्केट अपग्रेड कर सकते हैं पर कुछ चीज़ें जो आप अपग्रेड नहीं कर सकते बट हर किसी की वो चीज़ें रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो अगर आप भी क्रेटा बेस मॉडल लेने का प्लान कर रहे हैं तो आप आज ही आ सकते हैं न्यू फ्रेंड्स कार डेकोर पे। तो जो क्रेटा कार के ओनर है सर हमारे साथ में, उनसे हम फीडबैक लेंगे कि वो सुबह से हमारे पास आए थे, किस चीज़ों को देखकर आए, कैसा काम उनको लगा, कैसा क्या उनका टोटल फीडबैक हमारे साथ रहा है। तो भैया सबसे पहले आप हमारे व्यूअर्स को बताइए कि आपको हमारे बारे में कैसे पता चला। आपके इंस्टाग्राम से पता चला हमको, हमने आपकी यूट्यूब पे वीडियो भी देखी है बहुत सारी। जी जी क्रेटा की देखी थी। जी जी क्रेटा ही हमने इसलिए ली थी कि हम आपसे काम करवाएंगे बेस मॉडल का। मतलब आपने जब बेस मॉडल गाड़ी हमने आपने हमारी वीडियो देखी थी तो आपने सबसे पहले शायद टॉप मॉडल ही प्लान करी होगी। हाँ हाँ। फिर आपने हमारी वीडियो देखी तो आपने सोचा कि मैं बेस मॉडल लेके उसको टॉप कन्वर्ट करवा लेता हूँ। तो टोटल जो आपने वीडियो में काम देखा था, जितनी आपने वीडियो देखी थी और जो यहाँ काम हुआ, कैसा लगा? मतलब कुछ कंपैरिजन था या काम अच्छा मिला, कैसा मिला आपको? नहीं, जो वीडियो में देखा उससे तो डबल ही अच्छा मिला है। मतलब सब पार्ट जो है जेन्युइन है। जी जी बहुत अच्छी क्वालिटी है। और जो आपको मतलब हर चीज में राय दी गई थी, सजेशन दिया गया था, वो एक जेन्युइन दिया गया? हाँ हाँ, वो सजेशन से तो गाड़ी में आई है। मतलब आप पूरा सेटिस्फाई है जो टोटल काम हुआ आपकी गाड़ी पे? बिल्कुल सेटिस्फाई। तो जो कस्टमर है टोटली सेटिस्फाई है। तो अगर आप भी टॉप मॉडल लेने का प्लान कर रहे हैं तो आप अपना पैसा बचाकर बेस मॉडल आज ही ले सकते हैं और आज ही ले सकते हैं न्यू फ्रेंड्स कार डेकोर पे और अपनी गाड़ी को बेस टू टॉप काम करवा सकते हैं, वो भी अच्छे खासे पैसे बचाकर। क्योंकि हर कस्टमर की अडास की नीड नहीं होती है, हर कस्टमर की सनरूफ की नीड नहीं होती है, हर कस्टमर की ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल की नीड नहीं होती है। बेसिक जो चीज़ें होती हैं वो तो हम बेस टू टॉप में कर ही देते हैं। तो आप आज ही न्यू फ्रेंड्स कार डेकोर पे आके अपनी बेस मॉडल क्रेटा को टॉप मॉडल कंप्राइजिंग पे करवा सकते हैं। और वीडियो अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और जितना हो सके शेयर करना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।